बाद में जब आप कास्टिंग कर रहे हो तो सीमेंट स्लरी नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है थीके? अभी नीचे के चांसेस रहेंगे तो क्या होता है अपने को कि खराब होएंगे शटरिंग, बरोबर। तो अपन क्या करेंगे, नीचे अपन ये आपको देखेंगे ये गन है, मतलब उससे अपन क्या कर रहे हैं, प्रेशर गन है, उसको अपन पानी मार के पूरा क्लीन कर रहे हैं, जो स्लरीज नीचे आई रहेंगी उसको अपन क्लीन कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, अपन वाइब्रेटर मार ही रहे लेकिन चांसेस कम रहते कि वाइब्रेटर नीचे तक इजिली जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं, हैमर रहता है रबर हैमर, उसको अपन क्या करते हैं, हैमर मतलब अपन क्या करेंगे उसको, जैसे अपना हथौड़ा रहता है ना वैसे वो रबर का मैलेट रहता है, उससे अपन क्या करते हैं टेम्परिंग करते जाते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। अगर अपन कारपेंटर वाला वापरेंगे तो क्या होगा, ये शटरिंग में डेंट आ सकते हैं, टूट सकता है, शटरिंग डैमेज होगा, इसलिए अपन रबर वाला वापरते हैं। उससे क्या होगा, एक तो वाइब्रेटर भी मार रहे हो और रबर भी मार रहे हो, आपको ये वीडियो में दिखाई देगा। ये देखो ये कितना जोर से मार रहा है, अगर इतने जोर से अगर वो दूसरा हथौड़ा मारेगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम फॉर्म वगैरह रिपीटेशन 200 का वो 2 दिन भी नहीं चलेगा, तो पूरे डेंट आ जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। इसलिए आपको रबर का मैलेट वापरना है, ठीक है। और देखो उसके पीछे आपको लेडीज दिखेगी, वो क्लीनिंग कर रही है साथ में, ठीक है। तो ये आपको दोनों केयर रखना है कि क्लीनिंग भी हो जाएगा, क्लीनिंग नहीं होगा क्या करेंगे, अभी अगर मैंने सीमेंट स्लरी क्लीन नहीं किया तो क्या होगा, दूसरे दिन जब मेरे को यूज करना है वो सूख गया रहेगा, वापस मैं उसको निकालूंगा तो उसमें डेंट आएंगे, स्क्रैचेस आएंगे, डैमेज होने के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए आपको साइमल्टेनियसली उसको क्लीन करते जाना है।